दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से तीन लोग बिलियनियर बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स बिल गेट्स एंड पॉल एलन और स्टीव बॉमर, जो बिल गेट्स के कॉलेज के दोस्त हैं, जिन्होंने 1980 में ही माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया था, जिस वजह से उन्हें कंपनी में एक अच्छा खासा हिस्सा मिला और वो भी एक बिलियनियर बन पाए। और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दुनिया भर में करीब 12,000 लोगों को मिलियनियर बनाया है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और आज के टाइम पर इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा मिलेनियर्स हो गए हैं, पर साथ ही इसका एक डाउनसाइड भी है। जो इंसान आज के टाइम पर जितना जल्दी अमीर बन सकता है, उतना ही जल्दी वो अपनी सारी सक्सेस को खो भी सकता है। क्योंकि आपको शायद ये रियलाइज नहीं होता होगा, पर टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जहाँ एकदम बहुत ही सारा पैसा आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस उस पैसे को मेंटेन करना भी कोई आसान काम नहीं है। इसी वजह से एक एवरेज मिलेनियर्स के पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स होती है, जिनमें से मैं आज आपके साथ मिलेनियर्स की 7 इनकम सोर्स शेयर करूंगा, जिसकी हेल्प से आप भी अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पाओगे। और इनमें से तो कुछ पैसिव इनकम है, जिनके लिए आपको कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली आती है रॉयल्टी इनकम। दोस्तों, जब आप अमेज़न पर शॉपिंग करते हो तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एड टू कार्ट और दूसरा होता है बाय नाउ। पहले जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता था तो उसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहले कार्ट में डालना पड़ता था, एड्रेस डालना पड़ता था, पेमेंट की सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती थी, जो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था। बट 1997 में जेफ बेजोस ने एक वन क्लिक बाय बटन का इन्वेंशन करा, जिसमें एक क्लिक करते ही यूजर की पिछली एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स का यूज करके तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इसका अपडेटेड वर्जन अमेज़न के मोबाइल ऐप में भी आ चुका है, जहां आप एक स्वैप करते हो और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, जो बहुत ज्यादा फास्ट सिंपल एक्सपीरियंस देता है। जेफ बेजोस ने इस टेक्नोलॉजी को 1999 में अपनी कंपनी के नाम पेटेंट करवा लिया था, और इस टेक्नोलॉजी को फिर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल को यूज करने के लिए दिया, जिसके बदले में वो एक फीस चार्ज करते हैं, जिसे रॉयल्टी बोला जाता है। यानी उन्होंने बस कंपनीज को बता दिया कि ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाता है, और उसके बदले में उन्हें लाइफ टाइम पैसा आने लगा। और लास्ट 20 सालों में अमेज़न ने इसी पेटेंट की रॉयल्टी से ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई की है, और यही पैसिव इनकम होती है। सिर्फ एक बार काम करके आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहती है। ज्यादातर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और आर्टिस्ट की ये मेन इनकम होती है। जैसे आपने कोई एक बुक लिखी, कोई वीडियो बनाई, कोई सॉन्ग गाया या कुछ भी, जिसे आप बाकी कंपनीज को करने को दे देते हो, और बदले में आपको रॉयल्टी इनकम आती रहती है। और ऐसा जरूरी नहीं कि रॉयल्टी इनकम सिर्फ एक तरफ से ही इनकम देती है। अगर हम एग्जांपल लें ऑथर जेके रोलिंग का, तो उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी से मल्टीपल रॉयल्टी इनकम अर्न की है। उनको हैरी पॉटर द बुक, हैरी पॉटर द मूवी और हैरी पॉटर मर्चेंडाइज से सभी सोर्स से रॉयल्टी इनकम मिलती है, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट उनकी ओरिजिनल आइडियाज की क्रिएशन है। नंबर 2, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में जब आप कोई एसेट जैसे स्टॉक या प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसे महंगे में सेल कर देते हो, तो उस पे जो आपका नेट प्रॉफिट मिलता है उसे कैपिटल गेन इनकम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने किसी कंपनी के 100 स्टॉक्स खरीदे हैं, जहां एक स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपए था, और जब इसका स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में 1,000 से 1,500 हो जाएगा और आप इसे कैश आउट करने का डिसाइड करते हो, यानी अपने सारे स्टॉक्स को सेल कर देते हो, तो आपको अपनी 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट पे 1,50,000 रुपया कंपाउंडिंग लगा के इससे भी ज्यादा मिलता है। इस 1,00,000 रुपए पे आपने जितना भी एक्स्ट्रा अर्न करा वो है आपकी कैपिटल गेन। ट्रेडिशनली लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से अपनी कैपिटल गेन्स इनकम करते हैं, जहां वो एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और कुछ टाइम बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है और वो उसे महंगे में सेल कर देते हैं। और ऐसे कई सारे एसेट्स हैं जिनसे आप कैपिटल गेन्स में इनकम क्रिएट कर सकते हो। इस इनकम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको यहाँ कम से कम टैक्स पे करना होता है, और ऑलमोस्ट सभी मिलेनियर बिलियनियर्स की नेटवर्थ यही होती है। वो ऐसे एसेट्स ओन करते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे चाहे तो वो सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क की टोटल 282 बिलियन की नेटवर्थ में से 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा तो सिर्फ उनके टेस्ला शेयर्स में ही है। यानी उनके पास 282 बिलियन डॉलर कैश नहीं बल्कि स्टॉक्स और अदर एसेट्स में है, जिसे सेल करके वो इन पैसों का यूज कर सकते हैं। अब आती है तीसरी इनकम, अर्नड इनकम। अर्नड इनकम बेसिकली सभी एवरेज लोगों की इनकम होती है, जिसे कमाने के लिए आपको फिजिकली या मेंटली काम करना होता है। जैसे लोग जॉब करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग किसी सर्विस या हेल्प के लिए कोई फीस चार्ज करते हैं। ये सभी अर्नड इनकम की कैटेगरी में आते हैं। यह एक कंपनी में सफाई करने वाले से लेकर कंपनी के सीईओ तक की कॉमन इनकम सोर्स है। यहाँ बेसिकली आप अपने टाइम को ट्रेड करके पैसा कमाते हो, इसलिए इसे एक्टिव इनकम भी कहा जाता है। ज्यादातर मिलियनियर्स अपनी इस इनकम को बिल्स पे करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सर्वाइव करने
के लिए आपको हर मंथ पैसे की नीड तो होती ही है और अर्नड इनकम उनके सारे बिल्स पे करने के लिए यूज में होती है। पर इस इनकम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ये टोटल सभी इनकम की लिस्ट में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स्ड इनकम है, यानी यहाँ आपको सबसे ज्यादा टैक्स देना होता है, जो ज्यादा से ज्यादा 40% तक का टैक्स हो सकता है। जहाँ आप जितना कमा रहे हो उसमें आपकी मेजर इनकम तो आपकी टैक्स में जा रही है और आपकी जेब में केवल आधी ही इनकम रह जाती है। इसलिए सभी सेल्फ मेड मिलेनियर्स के लिए उनकी अर्न इनकम ही उनकी जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जहाँ हम में से ज्यादा लोग अपनी अर्न इनकम में ही ट्रैप हो जाते हैं, वही मिलेनियर्स इस अर्न इनकम पर डिपेंड नहीं होते बल्कि वो और मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं। फोर्थ, प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम में आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो और उस पर प्रॉफिट अर्न करते हो, यानी कम दाम में एक चीज खरीद के या फिर खुद क्रिएट करके उसे महंगे में सेल करना। आपके आसपास के दुकान वाले, जूस वाले, ग्रोसरी स्टोर, फल सब्जी बेचने वाले प्रॉफिट इनकम से ही सर्वाइव करते हैं। ये वो सोर्स ऑफ इनकम है जो एक एम्प्लॉय को एक एंटरप्रेन्योर में बदलता है, क्योंकि प्रॉफिट इनकम अर्न करने के लिए आपको सेलिंग स्किल आना बहुत ही जरूरी है और प्रॉफिट इनकम जनरेट करने के लिए आपको एक बिजनेस बिल्ड करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट या नेक्स्ट फ्लिपकार्ट बनाना है। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस जिससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हो, उससे आप अच्छी खासी प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हो। और साथ ही आज के टाइम पर प्रॉफिट इनकम जनरेट करना बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से आप जीरो रुपए से कई सारे ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो जो आपको अच्छा प्रॉफिट इनकम जनरेट करके देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त इंस्टाग्राम पर एक थ्रिफ्ट स्टोर चलाता है, जहां वो यूज्ड या रिजेक्टेड कपड़ों को सही करके उन्हें और भी ज्यादा स्टाइलिश बना के महंगे में सेल करता है, जिसे स्टार्ट करने में उसे सच में 0 रुपए लगे थे। जहां उसने फ्री में एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, स्टार्टिंग में उसने अपने ही पुराने कपड़ों को सही करवा के उनकी क्वालिटी अच्छी करके और स्टाइलिश कॉम्बिनेशन बनाकर सेल करना शुरू किया और उन सभी पैसों को वापस से री इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को ग्रो भी करा और आज वो अपने छोटे से बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। फिफ्थ, इंटरेस्ट इनकम। ये पैसा कमाने का सबसे ओल्ड स्कूल मेथड है। जब स्टॉक्स और क्रिप्टो जैसे मार्केट में कुछ नहीं था, तब लोग दूसरों के पैसे उधार देके उस पे इंटरेस्ट कमाते थे। ये पैसिव इनकम का सबसे बेस्ट तरीका है, जहां आपको कुछ नहीं करना होता और आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं। अब इस इनकम को जनरेट करने के लिए आपको किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं, बल्कि ये FD, बैंक डिपॉजिट और गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉन्ड इंटरेस्ट इनकम कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस इनकम में बट एक प्रॉब्लम है, देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होती है, जहां आपको ज्यादा से ज्यादा 1-4% तक इंटरेस्ट ही मिलता है। बट देखा जाए तो ये 1-4% कमाने के लिए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और साथ ही इंटरेस्ट इनकम में रिस्क कम से कम होता है, जहां आपका पैसा बहुत ज्यादा सेफ रहता है। मुझे पता है ये इनकम स्ट्रीम इस लिस्ट में बाकी के ऑप्शंस पे जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ पैसा कम रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट में रहे और जिस पैसे की आपको नियर फ्यूचर में नीड होने वाली हो, तो उन पैसों को आप ऐसी जगह पर रख सकते हो जिसमें आपको 5% तक का रिटर्न मिलता रहता है और आपका पैसा भी सेफ रहता है। सिक्स्थ, डिविडेंड इनकम। विप्रो के फाउंडर अजीज प्रेम जी विप्रो कंपनी के 83.74% शेयर को ओन करते हैं, जहां वो इस कंपनी के 19.49 करोड़ शेयर को ओन करते हैं और वो हर साल 30 करोड़ से भी ज्यादा अपनी डिविडेंड इनकम से अर्न करते हैं। एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है जिसे वो सेल करती है, जिससे एक कैश फ्लो जनरेट होता है और कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती है, जो कंपनी के स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट भी होता है। बट कंपनी साथ अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर करती है। जब भी कोई इन्वेस्टर कंपनी के स्टॉक खरीदता है तो वो दो एरियाज में कैश फ्लो एक्सपेक्ट करता है। पहला, कंपनी की इक्विटी में, जहां जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो कंपनी के शेयर प्राइस भी इंक्रीज होंगे, जो अल्टीमेटली इन्वेस्टर को प्रॉफिट देगा। दूसरा, जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिविडेंड्स के रूप में पे करेगी और इन्वेस्टर को डिविडेंड से अच्छी खासी इनकम भी मिलने लगेगी। अब आता है सेवंथ, रेंटल इनकम। इसे आप सब जानते होंगे, इंडिया में ज्यादातर लोगों की ये पैसिव इनकम है, जहां एक प्रॉपर्टी को खरीद के एक घर बना के उसे रेंट आउट कर देना और हर महीने उसे एक अच्छी खासी रेंटल इनकम मिलने लगती है। पर रेंटल इनकम जरूरी नहीं कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से ही आए, आप और भी कई तरीके से रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो। आपको बस ऐसी कोई चीज प्रोवाइड करनी है जिसे थोड़े टाइम के लिए यूज करने के लोग आपको पैसे दें। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पर लोग अपनी कार, ओला और उबर ड्राइवर्स को रेंट करके पैसा कमा रहे हैं। कई लोग अपनी कुछ चीजों को यूज करने के लिए दूसरे लोगों को रेंट पर दे देते हैं। मुझे याद है कि पहले के टाइम पर जब सीडीज मिला करती थी तो मैं कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए गेम्स रेंट पर लाया करता था और आजकल ऑनलाइन भी बहुत ही चीजें रेंट में मिल जाती हैं, जिसे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इनफैक्ट मिलेनियर सबसे पहले कई सारे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए उन्हें रेंट आउट करके अपनी रेंटल इनकम को बिल्ड करते हैं।
तो दोस्तों ये थे वो 7 पैसे इनकम के सोर्स जिन्हें हर कोई मिलेनियर यूज करके अपनी वेल्थ को बढ़ाता जा रहा है। तो अगर आप भी इन इनकम के सोर्स का इस्तेमाल करने लग जाओगे तो आप भी अपनी अमीर बनने की जर्नी में एक कदम आगे बढ़ जाओगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाते रहता हूं, और अगर आपको किसी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।